जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस अकेडमी सीधी डायरेक्टर दीपक कुमार। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि बाहुबली डिफेंस अकेडमी में बहुत सारे लोगों को डाउट रहता था कि आपके यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग बस होती है या रिटेन की भी तैयारी कराई जाती है। तो मैं आज आपको बता दूँ कि हमारे यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग और रिटेन क्लासेस दोनों चीज़ों की तैयारी कराई जाती है। और आपको बता दूँ तैयारी किस किस चीज़ की हमारे यहाँ कराई जाती है। हमारे यहाँ डिफेंस की तैयारी कराई जाती है, व्यापम की तैयारी कराई जाती है। तो हमारे यहाँ जो डिफेंस में कोर्सेज हैं, SSC है, BSF है, CRPF है, CISF है, नेवी है, एयरफोर्स है और आर्मी है। और इसके बाद जो व्यापम में है, व्यापम में MP पुलिस है और MP पुलिस के बाद MPSI है और ANM और GNM नर्सिंग की भी तैयारी कराई जाती है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है क्योंकि जो अपने सीधी ज़िले में अभी कोई भी कोचिंग संस्थान या फिर कोई भी कंपटीशन एकेडमी में कहीं भी आपको यानी कि तैयारी कराने के लिए GNM और ANM की तैयारी नहीं कराई जाती है। इसके लिए मैं आज आपको बता दूं कि GNM और ANM का न्यू बैच हमारे यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि सोमवार से न्यू बैच प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे डिफेंस में आपके भी SSC की भर्ती आई है, SSC का हमारे यहाँ अलग से बैचेस स्टार्ट है। SSC के लिए तैयारी करना चाहते हैं, SSC की तैयारी कर सकते हैं। अभी फिर से असम राइफल की आई हुई है और SSB की है। सभी चीज़ों की तैयारी हमारे यहाँ डिफेंस से कराई जाती है। और इसके बाद MP पुलिस का अलग से बैचेस स्टार्ट है, क्रैश कोर्स भी हमारे यहाँ स्टार्ट है। और इसके बाद फिजिकल ट्रेनिंग, अगर आप मेरे यहाँ तैयारी करते हैं तो आपको जो फिजिकल ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग फ्री में कराई जाती है। अगर आप SSB क्वालिफाई करते हैं, SSC क्वालिफाई करते हैं, MP पुलिस को क्वालिफाई करते हैं, तो हमारे यहाँ जो फिजिकल ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग फ्री में कराई जाती है। और मैं आपको आज एक बात बता दूँ कि जो इंडियन आर्मी का है, जो क्रेज है आज की डेट पर इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी की जो तैयारी है, तो इंडियन आर्मी का गारंटेड सिलेक्शन दिया जाता है। बाहुबली डिफेंस अकेडमी में इंडियन आर्मी का गारंटेड सिलेक्शन दिया जाता है। अगर आपका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन नहीं होता तो जो आपकी फ़ीस जमा होती है, आपकी फ़ीस वापस कर दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडियन आर्मी की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी बाहुबली डिफेंस अकेडमी में संपर्क कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है। जो हमारे यहाँ क्लासेस हैं, क्लास की भी वीडियो देख सकते हैं, क्लासेस की भी वीडियो डली हुई है उसमें देख सकते हैं कि वीडियो डली हुई है, तो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो। और इसके बाद जो पढ़ाई का है, पढ़ाई का भी डाल दिया गया है। और एक बात बता दूँ, SSC का अलग से बैच स्टार्ट है, MP पुलिस का भी अलग से बैच स्टार्ट है, इंडियन आर्मी का जो बैच है वो अलग से बैच लगाया जाता है, और नर्सिंग का GNM और ANM का जो बैच है वो भी बैच हमारे यहाँ प्रारंभ है। तो MP पुलिस का जो बैच है, MP पुलिस का बैच है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, और जो SSC का बैच है तो SSC का बैच है 10 बजे से 1 बजे तक, और इसके बाद जो ANM और GNM का बैच है तो 1 बजे से लेके 4 बजे तक है, और इसके बाद जो आर्मी का बैच है, इंडियन आर्मी का स्पेशल बैच जो है, तो स्पेशल बैच जो है तो 4 बजे से 6 बजे तक लगता है। क्योंकि जो फिजिकल ट्रेनिंग है, सुबह 4 बजे से बुलाया जाता है फिजिकल ट्रेनिंग के लिए इंडियन आर्मी वालों के लिए। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक फिजिकल ट्रेनिंग रहता है इंडियन आर्मी वाले छात्रों का, और इसके बाद जो उनकी इंडियन आर्मी वालों की छात्र की क्लासेस है, वो क्लासेस 4 बजे से 6 बजे तक रहती है, पढ़ाई का रहता है। फिर इसके बाद आपकी आ जाती है फिर से फिजिकल ट्रेनिंग। जैसे किसी की हाइट नहीं है, वेट नहीं है, चेस्ट नहीं है, तो उन सबको सही करने के लिए फिर से शाम को बुलाया जाता है 6 बजे से 7 बजे तक, 1 घंटे के लिए ग्राउंड में। तो सुबह टाइम आपको छत्रसाल स्टेडियम में आना पड़ता है और शाम टाइम आपको पुलिस लाइन ग्राउंड में आना पड़ता है। तो अगर आप लोग, और एक बात बता दो कि जो इंडियन आर्मी का है, तो इंडियन आर्मी का आपको गारंटेड सिलेक्शन दिया जाएगा। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता इंडियन आर्मी में, तो आप जो फीस रखाई जाती है वो फीस आपकी वापस कर दी जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जहां आपको फीस रखाई जाए और आपका सिलेक्शन ना हो तो आपकी फ़ीस वापस कर दी जाए। मैं आपको बता दूँ कि आप अभी के अभी बाहुबली डिफेंस अकेडमी ज्वाइन करिए और इसके बाद आप तैयारी करिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो जो आपकी फ़ीस रखी हुई है, आपकी फ़ीस वापस कर दी जाएगी। हमारे यहाँ दो ही चीज़ें हैं, या तो आपका सिलेक्शन होगा या तो आप एकेडमी छोड़ के
भाग जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग, मेरा नंबर है तो आप अभी के अभी संपर्क करिए। अगर आपकी हाइट नहीं है तो आप, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जिनकी हाइट नहीं है, अगर आपकी हाइट नहीं है तो आप तैयारी ना करें। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है जिनको मैंने जाते हुए देखा है, कई कंपटीशनों में मैंने देखा है कि एमपी पुलिस की अगर आपकी हाइट नहीं है तो आप तैयारी ही क्यों कर रही हैं एमपी पुलिस की। अगर आपकी एसएससी की हाइट नहीं है एसएससी में तो आप तैयारी ही क्यों कर रहे हैं। अगर आपकी हाइट है आप तभी तैयारी करिए, अगर आपकी हाइट नहीं है तो आप तैयारी ना करिए, क्योंकि आपको तैयारी करने से कोई फायदा। Yeah.